अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफार्म से। आज मैं आपको लाइका LS15 डिजिटल लेवल के बारे में बताऊंगा, ये कैसे काम करता है। ये देखें, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको बहुत ही हैंडसम और साफ लेवल है। आपने अगर हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ये देखें, ये इसके ऊपर बबल है टॉप के ऊपर, और ये इसका साइड मिरर है, और ये बबल के लिए, और ये देखें ये इसका ओवरव्यू। ये इसको मैंने ऑन कर दिया अभी इधर से, और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं। अभी आप देखें, ये ऑन होने में ऊपर 15 से 20 सेकंड का ये टाइम लगाता है, उसके बाद ये ऑन होता है। आप हमारा पेज सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारी मज़ीद आप वीडियोस और अपडेट मिलती रहें। तो ये स्विस टेक्नोलॉजी है, ये देखें ये ऑन हुआ है, और ऑन के साथ ही इसका लेवल एंड टिल्ट चेक आ गया है। इसको स्क्रू ड्राइवर्स की मदद से इसको आप एडजस्ट कर लें। ये देखें, ये मिनिमम हद तक ये सेट हो गया है लेवल, और इसको आप कंटिन्यू करके ओके कर लें। ये इसके स्टाफ्स हैं, दो स्टाफ हैं, कंप्यूटराइज स्टाफ हैं। ये देखें पूरा व्यू है, और रीडिंग ये साइड पे लेता है। ये इसके दो साइड हैंडल्स हैं जिसकी मदद से ये इसको बबल करने में इजी रहती है, और इसके साथ बैक साइड पे इसके दो बबल्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इसके दो बबल्स हैं। ये एक नीचे बबल है इसका फुट के पास, और दूसरा इसके ऊपर, और ये इनके बबल्स की मदद से ये आप इसको मुकम्मल तौर पर 0-0 इसकी रीडिंग पढ़ सकते हैं। और ये बहुत हैवी और वज़नी किस्म के हैं। और ये इसके नीचे आप देख रहे हैं, ये इसका पैड्स है, इसके ऊपर आप रखते हैं। अगर किसी जगह पे आपका कोई अननोन सरफेस वगैरह है तो उसको आप इसके ऊपर रख के और इजीली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर स्टाफ के ऊपर कोई रीडिंग वगैरह नहीं है, सारा ये कंप्यूटराइज सिस्टम। ये देखें, ये मुकम्मल इसका व्यू, ये आपको साइड पे इसका वो नज़र आ रहा है बॉक्सिंग, और ये इसका लैका LS15। ये इसका आई वैन है, और ये इसके कीबोर्ड्स वगैरह है, ये बैक है, और ये User 1 User 2, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ सारा पूरी डिटेल के साथ, ये कैसे काम करता है। ये देखें, ये इसमें ये पहले टैब पे क्यू लेवल है, और ये इसके अंदर ये सारा वर्किंग करता है कि सबसे पहले बैक साइड कैमरा कोड। और ये इसके बारे में बता दूं कि ये इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, ये टच भी है और नीचे इसके बटन्स भी हैं, ये दोनों तरीके से ये काम करता है। तो ये सबसे पहले इसकी देखें, ये बैक साइड PT रिम, और स्टार्ट हाइट, इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन, और स्टाफ रीडिंग, और नीचे आखिर में सबसे डिस्टेंस। और ये अगर आपको साइड पे अगर ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये फोकस, डिस्टेंस और पेज, ये तीन ऑप्शन हैं इसके, और ये टच के साथ भी काम करेंगे और डायरेक्ट भी ये काम करेंगे। तो आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें। तो अभी हम चलते हैं, इसको स्टाफ रीडिंग स्टाफ को मैं सामने रखता हूँ, और इसको मैं पढ़ता हूँ, ये देखें ये कि किस तरीके से ये रीडिंग पढ़ता है। सबसे पहले हम आई वैन को यूज़ करके इसको करेंगे 0-0। ये देखें, ये करने के बाद ये रीडिंग लेने के तरीके, स्टाफ को सेट करने के बाद क्यू लेवल में आप जाएं, और इसमें सबसे फोकस करके, फोकस को सेट करके डिस्टेंस पे क्लिक कर दें। आप ये डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, देखें वो स्क्रॉल करेगा, और ये नीचे इसने स्टाफ जो लिखा है उसके 1.3667 ये रीडिंग दे दी, और उसके नीचे 3.163 डिस्टेंस ने दे दी। ये देखें, रीडिंग जो स्टाफ रीडिंग आई है वो इसकी 5 डिजिट्स में आई है इशारिया के बाद। और उस ये देखें, इसको मैं अगला ऑप्शन इसका कैमरे वाला, कैमरे के ज़रिए आप इसको फोकस करके कर सकते हैं, लेकिन कैमरे के ज़रिए आपकी बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत छोटा काम करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम और हैवी काम के लिए आपकी ये बैटरी इसका साथ नहीं देगी। ये देखो, इसमें सबसे पहले आप सिलेक्ट करके इसको फोकस कर लें, और वो सेंटर में आपको एरोस के बीच में उसकी रीडिंग्स
जो उस कंप्यूटराइज स्टाफ है उसको लेके, और ये आप डिस्टेंस के ऊपर आप क्लिक कर दें, ऊपर देखेंगे वो आपको स्क्रॉल कर रहा है, और ये देखें डिस्टेंस क्लिक करने के बाद उसने रीडिंग नोट कर ली, देखें 3.16 डिस्टेंस और 1.3600 रीडिंग्स आ रही है। इसका जूम भी आप कर सकते हैं, अगर दूर है इसके साइड के ऊपर जूम के ऑप्शन है उसको आप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं दूर है। ये अभी साइड के ऊपर ये इसके देखें हम इसकी रीडिंग्स लेते हैं, ये डिस्टेंस को क्लिक किया और ये 1.857 देखें ये स्टाफ है। ये आप डिस्टेंस को क्लिक करते जाएंगे और आगे आगे आपके ऊपर रीडिंग आती जाएगी। आप रीडिंग सेव करना चाहते हैं इसके अंदर से वो सेव भी कर सकते हैं, और नोट करना चाहते हैं एज ए लेवल के तौर पे वो, और उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस भी आपको साथ देगा और एलिवेशन भी, देखें इस व्यू के साथ भी हम आपको इधर से कैमरे का इसको चेक करा, ये आप इसको बीच में सेटिंग कर लें। और इसको मैं आप सबसे पहले जो इसका मसला है इसको आप स्टाफ के ऊपर आप सेट करके सबसे पहले फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद आप डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इस करेंगे तो ये आपका आपको ये रीडिंग देखा, ये देखें ये मेरे ये 1.47106 और ये 7.4.25 डिस्टेंस आ गई। ये एक बेहतरीन रिजल्ट है इसका, ये लेवल के तौर पे आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग और एक्यूरेसी लेकर वैसे बहुत अच्छा अच्छी फर्म है, और ये उसका एक बहुत ही अच्छा लेवल है। ये देखिए इसका इसमें अंदर ये इसकी बैटरी पॉट, ये साइड के ऊपर इसका बैटरी लगती है और नीचे इसका बटन लगा हुआ है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये इसके नीचे इसका बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे और ये आपके पास ये सामने इसकी बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको USB और उसकी केबल का भी सिस्टम नज़र आ रहा है। ये देखें ये USB और उसकी केबल का सिस्टम, और बाकी पीछे बैक साइड के ऊपर इसका बैटरी का सिस्टम, ये मैं बैटरी लगाता हूँ इसकी, ये देखें ये बैटरी है इसकी, बहुत ही हैवी और अच्छी बैटरी है, बहुत अच्छी टाइमिंग है इसकी, तकरीबन मेरे पास ये दिन में 7 से 8 घंटे ये इजीली काम निकाल जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं करती अगर मैं कैमरा यूज़ नहीं करता। ये देखें ये आप इसको इधर पुशअप कर दें, पुश करके इसको आप ब्लॉक करके इसको फिक्स कर दें और इसको आप इधर से बंद कर दें, ये और इसको आप दोबारा आप क्लिक करें, आपने बैटरी बाहर निकालनी हो, इसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है ये देखेंगे, इसको आपने प्रेस करना है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे बैटरी बाहर आ जाएगी, और दोबारा अगर आपने करना है तो उसको आप फिक्स कर देंगे। ये देखें ये आपको बटन नज़र आ रहा है, ये आप थोड़ा सा प्रेस किए हल्का सा तो ये इजीली बैटरी इसकी बाहर आ जाती है। ये देखें ये बटन है इसका, ये लॉक और इसका बटन दोनों सेम टू सेम यूज़ होते हैं। अब चलते हैं इसकी बेसिकली सेटिंग के ऊपर, ये देखें ये कीपैड के ऊपर ये इसके ये यूज़र वन है, इसको आप करते हैं इसकी आप अंदर से सेटिंग करके आप इसका अपने हिसाब से आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं कि आप कौन सा फ्रंट के ऊपर पेज यूज़ करना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट्स, और ये देखें ये इसमें आपकी बैक ये टिल्ट के अंदर आप चले जाएंगे, ये टिल्ट चेक आपका करेगा, और दूसरा बटन आपका ये स्क्रीन शॉट वाला मैंने सेट किया हुआ ये वाला, ये आप स्क्रीन शॉट लेवल की रीडिंग लेते हैं और स्क्रीन शॉट इसको कर देते हैं जो कि इसके अंदर वो आपको उसकी पिक्चर भी आपको सेव कर देगा। ये देखें ये स्क्रीन शॉट इसका सेव हो गया, ये बैक वाला बटन है जिस तरह मोबाइल यूज़ करते हैं ये, और ये बाकी इसका फंक्शन सारे वही हैं सारे, आपने कौन सा इस स्टार के ऊपर आपने कौन सी स्क्रीन रखनी है, सेटिंग वाली रखनी है, एप्स वाली रखनी है, लेवल वाली, ये मुख्तलिफ ऑप्शन इसके आप खुद ही मैं आगे बताऊंगा आपको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका कीपैड है जिसको आप इजीली तरीके से देखें, बहुत ही सॉफ्ट और इजी है और अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। अभी आते हैं इसकी सेटिंग की तरफ, ये देखें ये इसकी मैंने आपको जैसे कि पीछे बताया कि लेवल की सेटिंग के अंदर ही आपको जनरल रीडिंग पढ़ के देगा, जो जो इनसे आप पॉइंट देना चाहते हैं वो आपको दे देगा, फोकस पे आपने क्लिक करके आपने डिस्टेंस मारना है तो ये आपको ऑटो रीडिंग पढ़ देगा। आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं इशारियों के बाद कितने डिजिट आपको चाहिए, जिस हिसाब में आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं वो आपको सेटिंग करके देगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसकी रेंज भी आप सेट कर सकते हैं,
किधर डिस्टेंस के ऊपर आप पढ़ना चाहते हैं 100 मीटर्स तक, तो ये इजीली पढ़ लेता है सुबह और शाम के टाइम पे। ये देखो ये दूसरा ऑप्शन इसका पेज वाला आपको नीचे नज़र आ रहा है, अगर उसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कैमरे के अंदर चला जाएगा। कैमरे का ऑप्शन ऊपर भी है और नीचे भी, इसका भी वही तरीक़ाकार। ये देखें ये पेज वाला ऑप्शन, और ये रीडिंग मैंने पढ़ी है, ये देखें फोकस करके और F2 डिस्टेंस को आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर से उसकी रीडिंग ये पड़ जाएगा 0.8452 और 3.362 डिस्टेंस का मीटर्स में। तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और काफ़ी अच्छा ये काम के लिहाज से भी, एक्यूरेसी के लिहाज से भी बहुत इसकी अच्छी है। ये देखें इसका दूसरा टैब आएगा, इसमें सर्वे के हवाले से प्रोग्राम्स में आप जाते हैं, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। ये एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, कॉपी लाइंस हैं, सेटिंग है, टूल्स हैं, ये इस हिसाब में पूरा इसका एक मेन्यू बॉक्स आएगा। ये देखें ये प्रोग्राम्स को मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर तीन ऑप्शन आपको दे रहा है, बेसिक लेवल, लाइन लेवल और लाइन एडजस्ट। सबसे बेसिक लेवल के अंदर आप बेसिक लेवल पढ़ सकते हैं इसके, आप वो देखें इसके अंदर आपको एम फोकस एट स्टाफ वैल्यू मेजर विद द डिस्टेंस नॉट स्टोर्ड। तो आप सबसे पहले आप तरीक़ाकार से वही है फोकस करके और डिस्टेंस को ऊपर क्लिक कर देंगे और ये आपको आगे से रीडिंग आपके दे देगा। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन पेज वाला और ऊपर आपको कैमरे वाला नज़र आ रहा है, इसके अंदर वही सिस्टम आएगा। आप कैमरा क्लिक करना चाहते हैं तो कैमरे को क्लिक कर दें और नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो पेज के ऊपर चले जाएँ, कैमरा का भी वही सिस्टम। इधर से आप बैक आ जाए और यस कर दें एग्जिट, इस पेज से आप बेसिक लेवल से हो गए। अब ये लाइन लेवल के अंदर आप क्लिक करें, ये देखें इसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बता रहा है, F1 जॉब, F2 सेट टॉलरेंस और F4 स्टार्ट। आप जॉब पहला करेंगे सिलेक्ट करके, आप जॉब इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जो ऊपर नाम देना चाहते हैं लाइन 002 के ऊपर वो आपको लाइन इधर दे देगा। मेथड आपका वो आपको जो सा आप मेथड यूज़ करना चाहते हैं और पॉइंट नॉन पॉइंट इन जाओ, इसमें देखें इसको किया है तो इसके अंदर कोई अभी मेरा पॉइंट सेव नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर पॉइंट सेव कर सकते हैं। ये स्टाफ 1 स्टाफ 2 इसकी मुख्तलिफ सिस्टम्स। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं F2 के अंदर सेट टॉलरेंस, टॉलरेंस के अंदर आप जाके देखें इसके अंदर जाके आप पूरा इसका सिस्टम आएगा, प्रिसाइज मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस BF, टी डिस्टेंस बॉल, स्टाफ एंड्स और स्टाफ डिफ TN डिफ। तो इस हिसाब में आप जितनी इसकी आप इसको आप देंगे, आप जो वैल्यू देंगे, देखें इसमें मैक्स डिस्टेंस मेरे पास 50 मीटर का उधर एडजस्ट आएगा, इसको मैं 100 मीटर का कर सकता हूँ ऊपर वाले को, और ये बाकी इसकी सेटिंग सारा कुछ उस हिसाब में ये चलेगा। उसके बाद नीचे क्लिक करके स्टार्ट, ये लास्ट है लाइन डिस्टेंस, लाइन एडजस्टमेंट, आप इसकी लाइन एडजस्टमेंट मेथड जो जो आप करना चाहते हैं कितना आप, तो उस हिसाब में आप इसको इधर इजीली तरीके से इसको आप कर सकते हैं ऑल पॉइंट्स करके। उसके बाद बैक आ जाए, ये जॉब्स है, वही है जॉब आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, आप वेट डेट दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम। तो ये सेकंड ये आगे इसके बाद आ जाता है मैनेज, इसमें आपको देखें जॉब्स, फिक्स पॉइंट, मेजरमेंट, मेन डेटा, ये आपने जो जॉब सेलेक्ट की थी वो इधर आपके पास आ रही है जो लास्ट टाइम पे, इधर भी आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं इसकी जो आप करना चाहते हैं, इसका नाम देना चाहते हैं। ये फिक्स पॉइंट्स हैं PT1, अगर आप किसी जगह पे फिक्स पॉइंट करके इसको आप एज ए ट्रेवर्स के तौर पर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं कि आप लेवल आपको क्लोज ना करना पड़े, ये मुख्तलिफ। इसके बाद मीन्स डेटा, जॉब है इसकी लाइन है ये, इसके बाद इसके कोड्स हैं, आप जो देना चाहते हैं फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर, ये इसमें कोई फॉर्मेट व्यू एंड लीड फॉर्मेट्स वगैरह जनरल, इसमें आप जो हिसाब में देना चाहते हैं। लास्ट इसका कॉलम है डिलीट ऑप्शन, इसके अंदर जो आप जॉब्स या जो आपके कोऑर्डिनेट्स सेव है उसको जिसको भी आप चाहें उसको आप इधर से डिलीट कर सकते हैं। ये आगे आ जाए ट्रांसफ़र, इसमें देखें ये एक्सपोर्ट का पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम इसमें इम्पोर्ट है, तीसरा इसमें कॉपी लाइंस है। एक्सपोर्ट में आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको पहला ऑप्शन है USB स्टिक का पूछेगा, फिर फॉर्मेट है सिंगल फॉर्मेट और
तो इसमें आप ये देखें, आप साइड क्लिक करेगा तो ये आपको इंटरफेस सेकंड ऑप्शन देगा, इंटरनल मेमोरी और यूएसबी, तीन इसमें ऑप्शन देता है आपको, जिसमें भी आप इसको इम्पोर्ट कराना चाहते हैं पॉइंट्स को, इसके साथ से इसको आप कर देंगे। ये इसके पूरा एक जॉब है, ये देखिए सिंगल जॉब, इसको आप ऑल जॉब्स करके और सारा भी आप इकट्ठा इसको एक ही दफ़ा कर सकते हैं। इसके बाद ये इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट वाला कॉलम ये है कि आप अपने पास जो डेटा आपने सेव किया हुआ है वो इसी के फॉर्मेट के अंदर, जो फॉर्मेट आप सेट करते हैं इसका डेटा टाइप फॉर्मेट का, उसके अंदर से आप इम्पोर्ट करा के और इसके अंदर अपना डेटा लेवल्स वगैरह आप इसके अंदर सेव करके और अपना काम चला सकते हैं। देखें ये सेकेंड ऑप्शन है, फिर इसके बाद ये कॉपी लाइन, कॉपी लाइन्स में कोई वही तरीकाकार है, जॉब्स लाइन डेटा टाइम जॉब आईडी वगैरह। इसके बाद ये आके इसकी नंबर 5 टैब है इसका सेटिंग, ये सेटिंग के अंदर इसमें पहला ऑप्शन वर्क स्क्रीन शॉट, ये जो साइड पे आपको मैंने दिखाए थे कि जो उसके कीस बटन थे उसको आप चेंज करना चाहते हैं इधर, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यूज़र टच इनपुट मैनुअल और जो अभी आप इसको कर सकते हैं, देखें इसको आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें ये इधर से आप ये यूज़र वन के अंदर और ये इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो यूज़र टू इधर जो भी आप इसकी आप बटन प्रेस करके इसके अंदर आप इसको जो भी आप इसके अंदर डेटा रखना चाहते हैं, जो भी आप इसका नाम टैब रखना चाहते हैं, उसके अंदर इनको आप क्लिक करके इसके अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिंगर की ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट है, ये उसके सामने इसकी सेटिंग के अंदर जाके आप इसको करके और ये आप रीजनल सेटिंग में आ जाए। ये देखें इसके अंदर पहला ऑप्शन आपको अर्थ करंट का दे रहा है जो कि ऑफ आएगा, उसके बाद लैंग्वेज आएगा और लैंग्वेज चॉइस आएगी आखिरी। इसके लैंग्वेज के अंदर आप आके आप जो से भी आपकी लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको इधर से इजीली सेलेक्ट करके और इसको सेट कर सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करके। ये चॉइस लैंग्वेज ऑफ है, ऑफ ही रहने तक। इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन आपके पास देखें यूनिट्स का आ रहा है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूनिट्स, डिस्टेंस यूनिट, सेकेंड पे अजीमथ यूनिट। देखें इसमें आप डिस्टेंस यूनिट पे आपके पास मीटर्स, डिग्री, मीटर्स फीट और सब की आ रही है, अजीमथ यूनिट में डिग्री और ई एन डेसीमल, आप इधर जितने डेसीमल इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, एच डेसीमल और डी डेसीमल और टेम्परेचर यूनिट वगैरह। ये आखिरी है इसका आइटम टैब, इसकी टाइमिंग वाली है, आप उसके टाइम सेट कर सकते हैं इधर से, जो कि आपके सामने इधर देखें ये 1638 आ रहा है इसको। इसके बाद आगे ये डेटा, डेटा वाला कॉलम हैगा, डेटा सेटिंग टाइम वगैरह पीटी आईडी वगैरह जो आप इसमें आप करके आप जिस हिसाब से आप आउटपुट इसका देना चाहते हैं वो दे दें, और ये आउटपुट फाइल के बारे में भी आप इसे इधर बता रहे हैं, पूछ रहा है कि आप किस में करना चाहेंगे, इंटरफेस यूएसबी और जीएस फॉर्मेट टाइप, इंटरनल मेमोरी जिसमें आप सेव करना चाहते हैं। ये आखिर में स्क्रीन है इसका, देखें डिस्प्ले आप पहला ऑप्शन है इसका टच, या आप इसका डिस्प्ले कम कर सकते हैं अगर आप बैटरी अगर आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है, टच स्क्रीन को भी आप इधर से ऑफ और ऑन कर सकते हैं और ऑटो ऑफ डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, और बीप नॉर्मल है और स्क्रीन सेवर 10 मिनट बाद जितना आप टाइम सेट करना चाहें। ये मोड है जनरल मोड, इसमें आप मीन्स करना चाहते हैं दो प्रिज्म के साथ या सिंगल प्रिज्म के साथ, और एस डी जो कुछ सेटिंग वगैरह आप ट्रैकिंग है सिंगल उसमें कर सकते हैं। ये इंटरफेस आखिरी ऑप्शन इसका, देखें ये पोर्ट सेकंड ऑप्शन इसका ब्लूटूथ इनएक्टिव हैगा, वो यूएसबी लगती है इसके अंदर। सबसे लास्ट कॉलम इसका टूल्स वाला, ये देखें एडजस्ट में नंबर 1 ऑप्शन इसका एडजस्टमेंट है, इसमें सबसे पहला आप जो अभी आप इधर से आप चेंज करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, जितने भी रखना चाहते हैं उसको आप अपने पेज की सेटिंग इधर से आप एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं।
इन्फो, इंस्ट्रूमेंट टाइप LS150 और ये लाइसेंस वगैरह इसका, ये पिन कोड, आप अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपना कोड लगाना चाहते हैं तो उसे ऑन करके पिन कोड अपना आप इधर लगा सकते हैं, लॉर्ड फ्रैम फायरवर्क वगैरह। और ये लास्ट ऑप्शन इसका कंपास, इसको ये देखिए क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कंपास ओपन हो जाएगा। और नीचे आपको डिग्री बता रहे हैं, तो आप हमारा पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर ज़रूर करें उसको, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसी तरीके से मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। सबसे आखिरी ऑप्शन शट डाउन का, आप बटन को प्रेस करके रखेंगे ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी, नंबर वन पे आपके पास लिखा हुआ आएगा शट डाउन और नंबर टू पे F2 पे स्टैंड बाई, तो आप इसको शट डाउन ऑन करते हैं, आप हमारा इंशाल्लाह साथ रहेगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे फिर दोबारा आपके साथ, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और